उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं ने मध्य प्रदेश में कपकपी बढ़ा दी है। दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट आने से ठंड बढ़ गई। प्रदेश में ग्वालियर और नौगांव सबसे सर्द रहा। यहां शनिवार रात को पारा 1.8 डिग्री सेल्सियस हुआ। वहीं पंचमढ़िया उमरिया में न्यूनतम पारा 2 डिग्री दर्ज हुआ। भोपाल सागर समेत 15 शहरों में शीतलहर और अति शीतलहर का प्रकोप देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पड़ी बर्फ का असर दतिया में देखने को मिल रहा है। दतिया में चल रही सर्द हवाओं से दतिया का टेम्परेचर 2 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। वहीं इसका असर हम देखने को मिलता है दतिया जिले में पीतांबरा पीठ पर आए श्रद्धालुओं पर। उनसे सीधे बात करने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार वो इधर पर आए हैं उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। जी आपका क्या नाम है? चौधरी अजय सिंह, एडवोकेट जी। हम आगरा से आए हैं। आज सौभाग्य प्राप्त हुआ कि माता रानी के दर्शन करने के लिए आगमन हुआ। सुबह जल्दी हम आगरा से चले, धुंध और कोहरा छाया हुआ था जिसकी वजह से यहाँ तक आने में काफ़ी रास्ते में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और यहाँ जब हम आए तो काफ़ी सर्दी महसूस हुई। ऐसा लगने लगा कि जैसे हम जम्मू कश्मीर में हम आए हुए हैं। उसे सरकार से भी हमें कुछ ये मांग करनी है कि सरकार को जैसे यहाँ जो दशरथी आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ सुविधाएं देनी चाहिए। आलाप वगैरह की व्यवस्था है, रैन बसेरे जो बनाए जाते हैं रैन बसेरे बनाए जाएं। अगर यहाँ जो अभी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ कोई रैन बसेरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अगर मान लो कोई भी अगर यहाँ बाहर से अगर आता दर्शन करने के लिए तो कहाँ ठहरने की व्यवस्था होगी? अगर उसके पास होटल की व्यवस्था अगर नहीं है तो रैन बसेरे के लिए यहाँ अगर व्यवस्था नहीं है तो रुकेगा कहाँ? तो सरकार को जो यहाँ पर्यटक या जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनके लिए सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल, दर्शनार्थियों के लिए सुविधा होना चाहिए। ठंड में जो बचाव की है उनकी व्यवस्था होना चाहिए। जो और भी लोग मौजूद हैं उनसे बात करने का, क्या आप कहाँ से आए? मैं गिरिराज रावत, एडवोकेट आगरा। हम लोग आगरा से आए हुए हैं और माता रानी के दर्शन करने आते रहते हैं, लेकिन आज जो सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें, इतवार का दिन है। वैसे अक्सर शनिवार को आते हैं लेकिन आज क्योंकि छुट्टी का दिन है हमने कहा इतवार को ही चलते हैं। तो आगरा से हम करीब 7 बजे निकले थे तो गाड़ी से आए अपनी से। काफ़ी हवा थी, काफ़ी सर्द हवा चल रही थी और ठंड भी महसूस हुई। गाड़ी को हमने जब रास्ते में अपना लघुशंका के लिए रोका तो जब बाहर निकल के देखा तो काफ़ी ठंड थी। लेकिन यहाँ आके जब हमने पाया तो यहाँ भी संख्या में जो कम दर्शनार्थी आए हुए थे आज, और वैसे काफ़ी भीड़ हुआ करती थी। बस यही कहना है हमारा कि जैसे पीतांबरा पीठ के बाहर जो है इस सर्द के मौसम में 2-4 अलाप 10 अलाप जहाँ लगा दिए जाए तो श्रद्धालु उस पर आके अपना हाथ सेक सके और माँ पीतांबरा के दर्शन कर सके। जैसा कि सर्दी का असर पीतांबरा पीठ पर ही पड़ रहा है, यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या भी काफ़ी कम हुई है और सरकार से उनकी आशाएं भी हैं कि यहाँ पर कोई सर्दी को लेकर व्यवस्था की जाए, अलाव आदि जलाया जाए। दतिया में कल से नगर पालिका के द्वारा अलाव जलाए गए हैं, लेकिन ये सर्दी जो है वो दिन की सर्दी है तो दिन की सर्दी में ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर मौजूद नहीं है।